दूसरी बड़ी बात नहीं, पहले पहले नहीं नहीं पहले पहले शुरुआती कमेंट सबसे होगा प्लीज अजय जी, उसके बाद वापस आऊंगी। दूसरी बड़ी बात, अच्छा ठीक है 10 सेकंड दूंगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, सुन लीजिए, दूसरी बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि उमर अब्दुल्ला जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। वो कह रहे हैं बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जीता है उससे सीखिए, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन जीतने के लिए काम किया है उससे सीखिए, तो वो भी आपको सीख दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को एड्रेस करते हुए सीख दे रहे हैं। तो सर ये आप लोगों के लिए आत्ममंथन का समय और किसी के लिए नहीं है। 10 सेकंड आपके, फिर आनंद जी बोलिए। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ये बांटने की और काटने की राजनीति हम नहीं करते। हाँ। हमारी हाईकमान ने निर्णय लिया है, इस पे मंथन होगा और जो हमने शिकायत 6 बजे चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग कितनी सुनेगा, हालांकि सारे संवैधानिक संस्थान और सारी संस्थाएं मोदी जी के अधीन है, हमें पता है कि वहाँ न्याय नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात तो रखी जाएगी, जनता के बीच में पता तो चले कि हम हारे हैं तो आखिर क्यों हारे हैं। ठीक है 10 सेकंड हो गए आपके, अब मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, क्योंकि जो एक बैकलैश हुआ है, अनंत जी पहले तो आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो अब इस जीत का मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहेगी महाराष्ट्र में भी और इसी के साथ साथ यूपी के उपचुनाव में भी, क्योंकि जो एक मैसेज क्लियर दिया प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि आपने कांग्रेस का फॉर्मूला है बांटो और सत्ता पाओ, हमने जोड़ने वाली राजनीति दी। मैं सुचरिता जी इस जीत को हिंदुओं के कंसोलिडेशन के तौर पर देखता हूं और ये मानता हूं कि जाति में बांटने की जो राजनीति इस देश में आरंभ हुई थी हिंदुओं को, उसको निगेट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको खारिज कर दिया है, मैं कह रहा हूं उसका निषेध किया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि तीन बयान, मैं आज मैं सोच रहा था तो तीन बयान जिसमें से दो आपने बताए कि एक वो योगी आदित्यनाथ ने कहा और फिर नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय ही कहा था कि हिंदू बटेंगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे, और तीसरा बयान माननीय मोहन भागवत जी का आया था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के एकजुट होने का समय है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को लेकर जो जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं में डिवीजन और मुसलमानों को एक ब्लॉक के तौर पर देखने की जो बात की गई थी, उसको हरियाणा की जनता ने फिलहाल उस पर ब्रेक लगाने का काम किया है। दूसरा, मैं अभी सुन रहा था कि ये हरियाणा में कांग्रेस नहीं हारी है, ये तंत्र की जीत है। मुझे लगता है ऐसा कहकर कांग्रेस के लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं और जनता के जो बहुमत जनता ने दिया है उसका भी अपमान कर रहे हैं, उनको जनता पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बावजूद इसके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कायदे से कांग्रेस पार्टी को अपने अंतर अपने गिलेबा में झांक देखना चाहिए कि किस प्रकार से ओवर डिपेंडेंस ऑन हुड्डा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिखाया कि 72 सीटें उनके कहने पे दिए गए, कुमारी सैलजा को साइडलाइन किया गया, बाद में अशोक तंवर को जोड़कर उसका कंपनसेट कराने का प्रयास किया गया, एक ऐसे नेता को जिसकी साख नहीं थी उसको दलित बताया गया, और अंत में इतना कहना चाहूंगा जिस प्रकार से जाट और गट की राजनीति को वहां पर हवा दी गई, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी सोचा नहीं था कि दलित जो है वो अपने आप को गैर जाट के साथ एसोसिएट कर लेंगे। उन्होंने दलितों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और ऐसा साइलेंटली दलितों ने अपने मत का इजहार किया कि हमें बांटो मत, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो हरियाणा में भी बिहार जैसी देखने को मिली, मैं बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वहाँ लालू यादव जी का चेहरा दिखा करके और उनके राज्य में जो सब हुआ उसको दिखा करके विरोधी पार्टी अपनी राजनीति करती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आपने लालू यादव का नाम लिया, आपने कहा वहाँ चेहरा दिखाकर जिस तरह की राजनीति हुई, यहाँ पर भी वही हुआ क्या? भूपिंदर हुड्डा को दिखाकर जाट वोटर कंसोलिडेशन की कोशिश हुई लेकिन बीजेपी ने दूसरा दाव चढ़ दिया, जाट नॉन जाट दलित ओबीसी सब एकजुट हो जाओ। मैं एक बार एक सीधी बात अजीज खान साहब आपके पास और फिर किशोर जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर खान, ये जिस तरह की एक तस्वीर निकल कर आई उसके बाद सारे सहयोगी ऐसा लग रहा है नाराज हैं। उसमें एक लंबी फहरिस्त है, अभी अखिलेश जी का बयान नहीं आया है, एक वो इकलौते हैं लेकिन उनके उनके नेताओं के बयान जरूर आने लग गए। अब सीधी बात है, आज उपचुनाव की सीटों का ऐलान आपने कर दिया, नाम 6 सीटों के आपने ऐलान कर दिए, लेकिन कांग्रेस का आपने कोई राय मशवरा नहीं लिया, कांग्रेस ने नाराजगी भी जाहिर की है। अब क्या नाराजगी नहीं है? आप लोग तो 5 सीटें चाह रहे थे, उन 6 में से 2 आप चाह रहे थे। अच्छा, भाजपा देखिए, नहीं आपकी नाराजगी अलग है, देखिए अपनी रणनीति उन्होंने जो ठीक है, हमारी कोई नाराजगी जाहिर नहीं। अच्छा अजीज खान साहब, हाँ प्लीज, नहीं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ जीत भी हाथ से निकली है और सहयोगियों का साथ भी एक तरह से डगमगा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से बयान आ चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने बोल दिया, सामना में लेख आ गया,
वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है साथ चल लेते तो ये हाल नहीं होता। देखिए सुचरिता जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे समझना बहुत अहम है। आज देश देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी जीती क्यों और कांग्रेस हारी क्यों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होनी चाहिए। आपने गौर किया वहां पे कि जो आपसी खींचतान कांग्रेस की रही, चाहे वो कुमारी शैलजा की हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की लड़ाई, टिकट का वितरण का इशू हो, और आप इस बात को समझिए कि तमाम जो कांग्रेस के अंदर एरोगेंस, कांग्रेस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ये कई सारे अहम फैक्टर्स थे। उस फैक्टर की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, ये पहली बात। इसमें कोई बीजेपी की चमत्कार नहीं है, ना कोई मोदी मैजिक है, और ना ही कोई इसमें महिमा मंडल किया जाए कि साहब बीजेपी ने बहुत चमत्कार कर दिया। एक बात आपको बता दें, जिस गवर्नमेंट में 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाए, कौन सा चमत्कार हो सकता है? ये सिर्फ कांग्रेस की आपसी खींचतान और उनकी सामंजस्य आपस में प्रॉपर नहीं होने की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली है। ये बीजेपी का अचीवमेंट नहीं है। क्या वहां आज किसान की समस्या नहीं है? क्या जो पहलवान बेटियां थी वो समस्या खत्म हो गई? क्या अग्निवीर की समस्या नहीं है? समस्या सब है, लेकिन विफलता कहां हुई वो मैंने आपको एक शब्द में बता दी, एक बात बता दी। दूसरी बात, परफेक्ट है तो सीटें क्यों नहीं दे रहे आप उन्हें? अरे प्लीज, आप अगर कांग्रेस के लिए सब इतना ठीक है तो आपने सीटें क्यों नहीं दी? अब प्लीज, ऐसे नहीं, आप मुझे मौका नहीं नहीं आप बोलिए सर, मैं आपको कहाँ रोकती हूँ? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया, क्यों किया ऐसा? मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे, मैं वहीं पे आऊंगा लौट के। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी मैजिक हरियाणा में है तो जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला? वहां भी चलना चाहिए, वहां नहीं चला। अब उसके लिए तो कोई ताली नहीं बज रही है, खाली हरियाणा लिए आदमी उछल रहा है कल से। एक बात, दूसरी बात, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हमारा गठबंधन पहले से बेहतर है और बेहतर कंडीशन में है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में इन्होंने हमें जगह नहीं दिया, मध्य प्रदेश में यही परिस्थिति पैदा की थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन आपने, हम बुरा इसलिए नहीं मानते, अब सुनिए ना मेरी बात, हम बुरा इसलिए नहीं मानते, हमारी पार्टी, हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं, माननीय अखिलेश यादव वो बड़े दिल वाले हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते किसी बात का, वो अपने सहयोगों को अपने साथ में रखते। एक बात रही बात, आप कह रहे कि साहब आपने घोषित कर दिया कल वहां पे, वो घोषणा हुआ आज यहाँ। देखिए एक बात आप समझिए, चुनाव हम लोग लड़ किससे रहे, ये बड़ा अहम है। चुनाव बीजेपी से लड़ा जा रहा है जिसका तंत्र मंत्र सब बहुत स्ट्रांग है, और अगर उसके सामने हमें लड़ना है तो हमें भी अपना कील काटा ठीक करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर ले जाना पड़ेगा हमें अपने प्रति, जो हमारे प्रत्याशी है। इसलिए हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, हम तो तैयारी दसों पे कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। अरे सर, अब देखिए अजीज खान साहब, फिर आप कहते हैं मैं क्यों बीच में आपसे सवाल पूछती हूँ। अभी तक मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा अगर कांग्रेस का खेल परफेक्ट है तो आप ये कह रहे हैं कि हमें देखना है हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस को शामिल करके वो लड़ाई क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों साइकिल से उतारते हैं उन्हें बार बार? आपने अभी भी तो यही किया है, 6 सीटों पर आपने एक तरफा फैसला लिया है कि नहीं लिया है, बताइए जल्दी से, क्योंकि मुझे किशोर जी के पास जाना है। हाँ मैं आ रहा हूँ मैडम, मैं कह रहा था कहीं कुछ नहीं उतारा है, सब अच्छा। साथी हैं और साथ में मिलकर चलेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कौन सी सीट पे लड़नी है, क्यों कौन सी सीट पे नहीं लड़नी है, और कौन मजबूती से लड़ पाएगा, कौन बीजेपी से जीत पाएगा। ये कही ना आपने बात, कौन मजबूती से लड़ पाएगा, हराना है तो यही बात है, हरा पाएगा ये मजबूती से कौन लड़ पाएगा? तो आपको लगता है आप लड़ पाएंगे मजबूती से, वो नहीं लड़ पाएंगे, यही तो मैं बात पूछ रही हूँ। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कांग्रेस में इस बार और खासकर हरियाणा के बाद, अब वो बढ़ गया है क्या?